रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बहुत ही तगड़ा मैच। मैच इतना शानदार था कि मैच के बीच में सोलो सिकोवा आए, उसोस आए और तो डोमिनिक स्टीरियो भी आए। आप देख रहे हैं रेसलिंग इन द मेनिया, सब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मैच हुआ एक लाइव इवेंट में, जहां रोमन रेंस उसोस के साथ नहीं बल्कि सोलो सिकोवा और पॉल लेमन के साथ आए। मैच की शुरुआत में ही रोमन रेंस ने ताकत दिखाई और रे मिस्टीरियो को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने रे मिस्टीरियो को रिंग से बाहर ले जाकर बैरिकेड के ऊपर पटक दिया, पर जैसे ही रोमन रेंस रिंग में आए तो रे मिस्टीरियो ने जबरदस्त पलटवार कर दिया। वो रोमन रेंस को 619 लगाने के लिए तैयार हो गए, पर तभी रोमन रेंस ने रेफरी का ध्यान भटका दिया और इसी बात का फायदा उठाकर सोलो सिकोवा ने रे मिस्टीरियो पर रिंग के बाहर से ही हमला कर दिया। इसके बाद तो रोमन रेंस ने रे मिस्टीरियो को रोप्स के पास ले जाकर 10 क्लोज लाइन लगा दी। रोमन रेंस मैच के बीच में सभी फैंस से कहने लगे कि मुझे सब एक्नॉलेज करो, पर फैंस ने तो उस सोच के ही नारे लगा दिए, जिससे रोमन रेंस को बहुत गुस्सा आया और वो रे मिस्टीरियो को टॉप रोप पर चढ़कर पंच मारने लगे। पर पूरा मैच पलटने वाला था क्योंकि रे मिस्टीरियो ने रोमन रेंस को टॉप रोप से नीचे फेंक दिया और वो वहीं से ही रोमन रेंस के ऊपर कूद गए। इसके बाद रे मिस्टीरियो ने से रोमन रेंस को 619 लगाने की कोशिश करी, पर उल्टा रोमन रेंस ने उन्हें चोक स्लैम लगा दिया। उसके बाद तो रोमन रेंस ने मैच खत्म करने की ठान ली और रे मिस्टीरियो को एक जबरदस्त सुपरमैन पंच लगा दिया। पर ये तो रोमन रेंस की गलत फहमी थी, क्योंकि वो जैसे ही रे मिस्टीरियो को स्पेयर लगाने लगे तो रे मिस्टीरियो ने उन्हें ड्रॉप किक लगा दी और इस बार 619 भी लगा दिया, पर रोमन रेंस रेफरी के ऊपर गिरे, जिससे रेफरी रिंग से बाहर हो गए। इसके बाद भी रे मिस्टीरियो ने अपनी फिनिशिंग मूव लगा दी, पर रेफरी काउंट करने के लिए वहां पर नहीं थे। इसी का फायदा सोलो सिकोवा ने उठाया और रे मिस्टीरियो पर पीछे से जाकर हमला कर दिया, पर तभी पूरा मैच पलट गया क्योंकि वहां पर आ गए उसोज और उसोज ने सोलो सिकोवा को आते ही डबल सुपर किक लगा दी। उस समय फैंस बहुत खुश थे क्योंकि उसोज सोलो सिकोवा को पीटते हुए वहां से बाहर ले गए। इसके तुरंत बाद रोमन रेंस ने रे मिस्टीरियो को जबरदस्त स्पेयर लगा दिया, पर रेफरी को आने में लेट हुई और रे मिस्टीरियो ने किक आउट कर दिया, जिससे सभी फैंस और खुद रोमन रेंस भी हैरान रह गए। पर इसके तुरंत बाद रे मिस्टीरियो ने रोमन रेंस को सुपर किक लगा दी और दूसरी बार 619 भी लगा दिया और इस बार रे मिस्टीरियो टॉप रोप से भी कूद गए। लग रहा था कि रे मिस्टीरियो चैंपियन बनने वाले हैं, पर तभी डोमिनिक स्टीरियो ने रेफरी को बाहर खींच लिया, जिसके बाद रे मिस्टीरियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो डोमिनिक स्टीरियो के ऊपर ही कूद गए। पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रे मिस्टीरियो जैसे ही रिंग में आए तो रोमन रेंस ने एक और बहुत ही जबरदस्त स्पेयर लगा दिया, जिसके बाद रे मिस्टीरियो किक आउट नहीं कर पाए और रोमन रेंस की मैच में जीत हुई। कमेंट में बताएं आपको ये मैच कैसा लगा। आप देख रहे हैं रेसलिंग इन द मेनिया। WWE की हर खबर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले।